फंडामेंटली, लेकिन पार्थिव उनकी टीम क्या पिक एंड चूज कर रही है। पार्थिव सबसे इंटरेस्टिंगली प्लेज एक ऐसा स्टॉक जिसमें आप लोग अच्छा खासा पैसा झोंकने के मन बना रहे हो या डाल रहे हो ऑलरेडी, पसंद क्या आ रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हमारा स्टॉक रहेगा जिंदाल स्टील एंड पावर। एक सिंपल रैशनल है, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ईवी एबिटा मल्टीपल की बात करो तो 8 के ईवी एबिटा मल्टीपल पे है, और ये कंपनी जो है अभी आने वाले 3-4 साल में 25,000 करोड़ का कैपेक्स कर रही है। तो 70,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कम डेट वाली कंपनी है और 25,000 करोड़ का शानदार कैपेक्स कर रही है। और ये जो कैपेक्स है उसमें से करीबन 8,000 करोड़ विल गो इन टू अ कैपेक्स जहाँ पे उनका मार्जिन एक्सपेंशन होता है। हमने स्टील सेक्टर में देखा है, जिन जिन कंपनीज ने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और मार्जिन एक्रेटिव टाइप के प्रोडक्ट्स में फोकस किया है, वहां पे ईवी एबिटा मल्टीपल का रीरेटिंग भी हुआ है। नॉट ओनली दैट, अंगुल में काफी बड़ा कैपेक्स है जहाँ पे करीबन 16,000 करोड़ जितना कैपेक्स जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एनहांसमेंट, और बहुत ही कम कॉस्ट में उनकी कैपेसिटी जो अंगुल में है, क्योंकि ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे सेटअप है, तो वहां पे कैपेसिटी डबल हो रही है बाय 2025-26। अगर ऐसा मान के चले कि इसका पूरा जो इफेक्ट है FY27 में आता है, तो दिस इज अ कंपनी जहाँ पे पोटेंशियल है कि इनकी जो एबिटा है वो करीबन 2.5 to 3 times बढ़ सकती है फ्रॉम द करंट रन रेट। और डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टील सेक्टर हम जानते हैं सिक्लिकल है, ये कंपनी के पास खुद की अभी कोल माइंस है, आयरन ओर माइंस भी है, तो स्लरी पाइपलाइन भी डेवलप किया है, तो मुझे लग रहा है कि काफी रेजिलियंट बिजनेस मॉडल रहेगा। ये स्टॉक बेसिकली सिक्लिकल सेक्टर में है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि हर गिरावट पे खरीदना चाहिए। नॉट ओनली दैट, आने वाले 3 साल की अवधि के लिए स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए। 3 साल के लिए दरअसल होल्ड करें, हर गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाए, बढ़िया रैशनल पार्थिव ने समझा दिए हैं। टेक्निकली भी रह रहे के इसी हफ्ते एक्सपर्ट्स के बार बार रडार पे आ भी रहा था, जेएसपी मेरे ख्याल से टॉप कॉल में शिरकत कर रहा था। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।